दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन हमीरपुर की मासिक बैठक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडवोकेट सुशील शर्मा ने की। इस अवसर पर संगठन के पास आई हुई समस्याओं पर चर्चा की गई तो आगामी दिनों के लिए रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में संगठन के सदस्य रहे स्वर्गीय योगमाया के निधन पर शोक व्यक्त किया गया तो आए दिन निजी स्कूल बसों के हादसों पर चिंता जाहिर की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में उपभोक्ता संगठन के सदस्यों द्वारा निजी स्कूल बसों पर नजर रखी जाएगी और तेज रफ्तार से वाहन चालकों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसके साथ ही बिगड़ायल निजी स्कूल बस चालकों की शिकायत स्कूल प्रबंधकों से की जाएगी ताकि समस्या का निवारण हो सके। संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा ने बताया कि बैठक में निजी स्कूल बसों के द्वारा तेज रफ्तार से वाहन चलाने पर शिकंजा कसने के लिए योजना बनाई गई है और संगठन के हर सदस्य इस पर नजर रखेंगे। साथ ही बिजली विभाग द्वारा इस बार उपभोक्ताओं को बिजली बिल 2 माह बाद दिए जाने पर भी विभाग के रवैये को लेकर लिखित शिकायत की जाएगी। दी हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन की बैठक आज यहां विश्राम गृह हमीरपुर में हुई। इसमें कुछ मुख्य मुद्दे थे जो हमने यहां पे उठाए हैं। सबसे बड़ा निर्णय जो हमने लिया है, स्कूल बसों में जो बच्चों की दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं उनको उन पर अपनी तरफ से उपभोक्ता संगठन की तरफ से थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो भी हमारे संगठन के किसी भी सदस्य को कोई भी स्कूल बस जो अनियंत्रित रैश ड्राइविंग या ओवर स्पीडिंग करते हुए हमें दिखेगी, हम उसकी सूचना जो है सबसे पहले स्कूल प्रबंधन को देंगे और स्कूल प्रबंधन को वो सूचना देने के बाद हम मॉनिटर करेंगे कि उस तरह की कोई गलती उस स्कूल के ड्राइवर द्वारा या स्कूल प्रबंधन द्वारा कोई एक्शन लिया गया या नहीं लिया गया, उसके ऊपर अमल हुआ या नहीं हुआ। अगर इन केस हमें पता चलता है कि अमल नहीं हुआ है तो सुरक्षा की दृष्टि को महत्वपूर्ण मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जो है इसकी सूचना जो है पुलिस अधीक्षक हमीरपुर को देंगे तथा पुलिस के माध्यम से हम कार्रवाई करेंगे। ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। हम उस बस की रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और हम फोटो भी खींच सकते हैं। जो जैसा भी हुआ हम लोग जो है सबसे पहले कोशिश हमारी ये रहेगी कि स्कूल प्रबंधन को ही सूचित किया जाए। एक सूचना हमें ऐसी आई है कि विद्युत आपूर्ति के जो बिल हैं उपभोक्ताओं को वो 2 महीने के इकट्ठे दिए गए हैं जिससे जो है स्लैब रेट बढ़ गया है। तो हम लोग ये करेंगे, हमारी एक्शन हमीरपुर और जो कंसर्न विभाग होगा हमने उसको लेटर लिखेंगे और जो उपभोक्ताओं की शिकायत आई है उसके लिए हम उन निवारण की कोशिश करेंगे और हमने एक्सिन हमीरपुर को लेटर लिखकर ये जानने की कोशिश की है कि ये जो निर्णय हुआ है लोगों के बिलों के जो बढ़ गए हैं उसका मुख्य कारण क्या रहा। हमारे जो संगठन की वरिष्ठ सदस्य थी श्रीमती योगमाया शर्मा जी, उनके निधन पर हम लोगों ने 2 मिनट का शोक रखा है और हमने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही जो शोक संलिप्त परिवार है उसके साथ हमने सहानुभूति प्रकट की।